सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे रायचू के बारे में। तो रायचू मिंटा भाई का एक फोटो स्टोरी पे डालते हुए लिखे थे, इसका स्टाइलिस्ट कौन है बे। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं रेहान भाई के बारे में, जो की एक फिल्म डायरेक्टर है आप लोग जानते हो, जो की एमयूए भाई का बहुत सारे वीडियो करे है। तो किसी ने उनसे पूछा था एमयूए एक्स पटनी, तो भाई लिखे थे व्हेन दैट हैपेंस द होल डीएचएच विल फियर अगेन। और उसके बाद आप लोग जानते हो कृष्णा भाई का जो लील बंडी ट्रैक है उसका बीट प्रोड्यूसर है फ्लैम बॉय बीट, जो कि एमयूए भाई के साथ भी काम किया है बहुत। तो रेहान भाई से किसी ने पूछा था व्हाट हैपेंड विद एमी एंड फ्लैम बॉय, तो भाई का कहना है अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक अ बैड एक्सजीएफ, इट्स अ प्रॉब्लम दे शुड फिक्स एंड हैप्पीली मूव ऑन, बट कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस आई गेस द बोट हैज सेल्ड। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं बादशाह भाई के बारे में। तो बादशाह भाई का फुल इंटरव्यू आ चुका है, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंटरव्यू में बादशाह भाई कृष्णा भाई को लेकर बात कर रहे थे, आप लोग देख लो। अच्छा एक चीज, कोई चीज ऐसी है जो आप किसी और आर्टिस्ट में देखते हो, आपको देख के, देखिए मैं जेलेसी वर्ड यूज कर देता हूँ, कर ही देता हूँ, आपको लगता है यार ये चीज कृष्णा। अच्छा, जितना टाइम वो लगाता है अपने लिखाई पे, मुझे बड़ी जेलेसी होती है कि मेरे काश इतना टाइम मैं भी लगा। और ऐसा नहीं मैं लगा नहीं सकता, मेरे में ना पेशेंस नहीं है, मेरे को बहुत जेलेसी होती है कृष्णा की। वो चीज देखिए, कृष्णा कृष्णा हैज बीन, भाई सीखो उस बंदे से यार, उस सिर्फ उसकी राइटिंग नहीं, उसकी पेशेंस, उसकी परसिवरेंस, उसका मेहनत, कितना स्टडी सीखो। अगर वो प्रोस्पेक्ट पे ही छोड़ देते तो आज कृष्णा ना मिलता। और इसके बाद बादशाह भाई का और एमसी स्टैन का कोलैब के बारे में भी बात कर रहे थे, आप लोग सुन लो। बट मेरी और स्टैन की कोलैबोरेशन भी होनी थी, और मुझे ये था कि मैं एल्बम पे आज आऊं, और तो मैंने, तो उसने मुझे बीच बीच भेजी, हमारा चल रहा था एक्सचेंज, तो मैंने जब उसकी एल्बम शेयर करी तो फिर मैंने उसको बोला था कि करते हैं तो आई वॉन्टेड कि हम कोलैबोरेट करें, और मैंने उसको बोला यार एल्बम पे ही कर लेते। कहता भाई मेरे को आइडिया ही नहीं था आप मेरी एल्बम पे आना चाहते हो। मैंने कहा यार चलो ठीक है, मतलब ये मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो गया, बट मुझे वो आर्टिस्ट अच्छा इसलिए लगता है, वो सबसे अलग है। फोर्थ हो रही है मेरे और स्टैन के बीच में, और फॉर श्योर जल्दी आएगा कुछ ग्रेट, मतलब ये सरप्राइज था, कुछ फाड़ आएगा क्योंकि वो बहुत सही। तो देखते हैं बादशाह भाई और एमसी स्टैन का कोलैब हम लोगों को कब देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता है आप लोगों से और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।